तू कैसा है? मैं ठीक हूँ. Oh my God, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा जाइले. कैसे रहते हो? कैसे हैं? आप कैसे हैं? बस बस आने में लेट हो गए. दिल्ली से आ रहे थे. दिल्ली से आ रहे. तू गाड़ी पे है कि घोड़े पे? नहीं, राजकुमार लोग अक्सर घोड़े पे आते हैं ना. इनकी जब गाड़ी से पीछे पार्किंग में आ रही थी ना, तीन चार लोग खड़े हो गए उधर. कहते बा मुलायजा होशियार, राजकुमार प्रधान रहे हैं. ऐसा करते. आपको पता है, आप में और मेरे में एक चीज बहुत कॉमन है. आपको स्त्री ने सुपरस्टार बनाया, मेरे को भी स्त्री सुपरस्टार बना रही है. कैसे जूही जी? हाँ जी. जय मेहता जी. जोर से बोलो जय मेहता जी. सारे बोलो जय मेहता जी. मैं नहीं सुनिया. जोर से बोलो जय मेहता जी. जय माता दी. बताए उनके हस्बैंड जय मेहता जी है ना, बहुत बड़े बिजनेस मैन है. मैं उनका नाम लेगी, भगवान का नाम काय को लेगी मैं. खैर अनिल सर, आपकी बहुत बड़ी फैन है मैं. मुझे भी बहुत अच्छी है. खुद की आपकी? मैं तो बोलती सर आप इतने बड़े स्टार है, आप दो रखो, एक इधर और एक इधर. पागल है, इधर दाढ़ी रखते हैं. तो मेरे को क्या पता, मैं तो लेडीज है ना. हाय सोनू. हाय. ऐसी बहुत अच्छी है. आपका हाथ दिखाओ ना. देखा मीडिया वाले झूठ बोलते. क्या? मैं पेपर में पढ़ी थी कि अनिल कपूर जी ने बेटी के हाथ पीले कर दिए तो सफेद है. अरे बेवकूफ, हाथ पीले करने का मतलब शादी कर दी है, ये क्या पूछ रही तू? अच्छा मेरे को ऐसे ही याद. पता एक बार मेरे डैडी ने मेरे हाथ नीले कर दिए थे. मतलब? अरे मैंने उनके से पॉकेट में हाथ डाली. हाँ? उनको लगा मैं चोरी कर रही है, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर रही थी, मैं तो पैसा निकाल रही थी. मेरे को बहुत मारे मालूम बाद में. खैर किधर अपनी पर्सनल बात में लग गई. आपसे बात करती, शादी कब है इटली में? वो मेरी शादी नहीं थी, वो किसी और की शादी थी. इनके तो मुंबई में हो गई ना. मुंबई में हो गई? इटली में नहीं किया ना. अरे इटली में नहीं किया, आज की डेट में लोग मानते ही नहीं फिर शादी हुई कि नहीं. इटली में बहुत जरूरी है सच्ची में. पुराने जमाने में क्या रहता था? क्या मतलब, शादी करने के लिए कुंडली का मिलना जरूरी था. आज की डेट में वीजा का मिलना जरूरी है. इटली में रणवीर सिंह का भी होता है ना शादी? सबकी होती है शादी. मेकअप का सब डिपार्टमेंट मेरा था रणवीर का. झूठी के तू. तू कब गई थी इटली? अरे उसके ड्राइवर की बुआ का मेकअप किया था मैंने. तो वो कहाँ गए थे शादी में? तो उनका प्रॉब्लम है, आपस में नहीं बनता रहेगा उनका, मैं काय का करूँ. अनिल सर आपसे बात करने का था. मैं नीचे बैठती है, मैं औकात में रहती हमेशा. मैं शादी का सब वीडियो देखी आपके. क्या डांस किया आप, पूरा कोट वेट निकाल के, शर्ट वेट निकाल के जो नाचे आप. नागिन डांस भी ऐसे किया इन्होंने. दीना दीन दा दीना दीन दा. मालूम पाजी पंडित कितना परेशान हो गया. बोला लड़की का कन्यादान करना है, लड़की के बाप को बुलाओ. किसी का बाप नहीं बुला पाया इनको, इतने नाच रहे. सच्ची बोलती. और बाद में पंडित परेशान होके बोला मुहूर्त तो निकल गया, इनमें इतनी एनर्जी है मुहूर्त को पकड़ के ले किधर जा रहा है. ए सपना, खबरदार अगर तूने मजाक किया तो. मजाक क्यों नहीं करूं, मजाक नहीं करे तो ये लोग निकाल देते हैं. सुपर. पुरानी हिस्ट्री तो मालूम है आप लोग को, इधर क्या क्या होता है. खैर मैं अनिल जी की तारीफ, इतने यंग डैशिंग है ना, ये ससुराल जाते ना तो आज भी ससुराल वाले इनको पूछते हैं और खुशखबरी कब सुना रहे. हर्षवर्धन कैसा है? फर्स्ट क्लास. बहुत बड़ी फैन है आप ना, बहुत चालाक हो आप. आपने ना खुद का नाम बेटे जैसा रखा है और बेटे का नाम बाप जैसा रखा है. आप लोग खुद ही बोल के देखिए सर, हर्षवर्धन और खुद का अनिल. हाँ
अच्छा सर, अभी ना 14 फरवरी आ रहा है ना, तो वो 14 फरवरी को वो कौन सा डे रहता है? वैलेंटाइन्स डे। वैलेंटाइन्स। हाँ हाँ, तभी वो हर्षवर्धन मेरे को दो ना, मेरे को लगेगा वो। ये तो पागल है, किसी से भी उनका बेटा मांग लेती तो पागल। हाँ तो अच्छा लगा तो मांगी मैं। ऐसा कैसे कैसे? बहुत अच्छे है। जय मेहता जी। अच्छा जूही जी, हाँ जी, एक छोटा सा काम था मेरे को। हाँ। एक आदमी ना मेरे को सुबह से बहुत टॉर्चर कर रहे है। ये नहीं नहीं अच्छा। कोई है वो ना, बहुत मेरे को फोन कर करके, जूही जी का मैं बहुत फैन है। अच्छा। उनका सब पिक्चर देखेला है मैंने, एक बार उनसे बात करवा दो प्लीज, मेरा रिक्वेस्ट। एक बार बात कर लेंगे शाम को, शो के बाद। हाँ शो के बाद करेंगे। हाँ। करेंगे ना, ठीक है ना। सिद्धू जी कर लेना फोन। नहीं मेरे को आपने बोले, देखिए ऐसी बात नहीं, मैं आपका काम कर दी ना। और इन्होंने मेरे को खास बोला था कपू, कि उनको प्राइवेट में बोलना। देखा मैंने इनको बोला, किसी को पता भी नहीं चला। मेरे आइए ना सर, मैं औकात में ठीक हूँ। और सोनम कैसे? आपका ना ड्रेसिंग स्टाइल मेरे को बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू। ऐसा पहनते, इधर फूल निकला हुआ, पता नहीं किधर क्या किधर। तो ये हीरोइन लोग बहुत जलती रहेंगे ना आपसे, क्योंकि रोज ब्रांडेड कपड़ा पहनते आप। हाँ, तो क्या? मैं आपसे नहीं जलती मालूम। मैं भी ब्रांडेड कपड़ा पहनती है। ठीक है। मैं वो वर्मानी, बुगाची, अडवानी सबका कपड़ा पहनती हूँ। पागल है, अडवानी क्या ब्रांड होता है? अडवानी मेरे को कपड़े देता है, तो अडवानी का ही नाम लेती ना मैं। मैनर्स हैं तेरे को, कैसे बात करते हैं गेस्ट से? मेरे को सब पता है, इन लोगों में स्टाइल है। ठीक है, बड़े लोग है, कपूर है, कपूर। अरे सुन कप्पू, क्या क्या बोलती है? एक कप्पू विप्पू छोड़, कपूर का टाइम चल रहा है आजकल, सरनेम बदल के कपूर रख लेते हम लोग। अनिल सर, ये कपूर बनने का क्या प्रोसेस है? नहीं मेरे पास आधार कार्ड, पासपोर्ट, रेंट का एग्रीमेंट सब है, कुछ बताओ ना कुछ रहेगा। अच्छा मैं, अरे मैं भूल गया, आपकी जो पिक्चर आ रही है उसके लिए जोरदार ताली हो जाए। एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा। पिक्चर का ना ट्रेलर देखी मैं, उसमें आपको बहुत सारे रिश्ते आ रहे हैं ना, आप रिजेक्ट कर रही हैं। मेरा उल्टा है, मेरे को बहुत शादी करनी है, एक भी रिश्ता नहीं आ रहा, कुछ करो ना मेरे लिए। अरे तुमको क्या शादी करनी है? तेरा है ना वो, क्या मुकेश? अरे हाँ ओह मुकेश को तो मैं भूल ही गई। आपको पता है ना मुकेश के साथ मेरा लफड़ा था। मुकेश कौन? मुकेश जानते हैं आप लोग, अपनी फिल्म इंडस्ट्री का है। अरे जब थिएटर में आप लोग की पिक्चर रिलीज होती है ना, तो आपकी शुरू होने से पहले वही आता है, क्या हो गया इस शहर को, हर तरफ धुआं ही धुआं। मैं हूँ 23 साल का मुकेश। वो मेरा फुंसी है। फुंसी नहीं, फियोंसी है। हमारे नाला सुपारे में फुंसी रहता है। सपना तेरा हो गया, चलो यहाँ से। चलो मैं जा रही हूँ, ऐसा मेरे को डांटना नहीं है। बात करें इतने बड़े बड़े सुपरस्टार लोग के सामने आप मेरे को डांटते हैं? मालूम है अनिल सर कितने बड़े सुपरस्टार है, 40 साल से काम कर रहे, कोई छोटी बात नहीं होती। हाँ। बात करते लोग 4-5 दिन काम करके साहब घर बैठ जाते हैं, ये वो 7 दिन से अभी तक काम कर रहे ले, बहुत बड़ी बात है। हर लम्हे ये बेटे ने कर्म किया है, तब जाके इतने बड़े नायक बने, छोटी बात नहीं है ये। बात करते क्या क्या फिल्में की है मालूम है अनिल जी ने? घर हो तो पैसा, घर हो तो ऐसा, ऐसा वैसा घर हम लोग का रहता है, इनके घर में ही पैसा रहता है। सर आपने फिल्मों में क्या कुछ नहीं किया अनिल सर, एक्शन, रोमांस, क्या क्या डायलॉग बोले, थ्रिलर। जूही जी ने कितनी सुपरहिट फिल्में की है, राजकुमार भी देखो अभी स्त्री के बाद सुपरस्टार बन गया है, सोनम अपनी ऑलरेडी सुपरस्टार है, इतने सब आप बड़े लोग, 1 करोड़ रुपया दो ना मेरे को। अरे
ये किस्सा मेरे साथ हो चुका है. किसी ने मुझे फोन किया, मुझे बहुत जरूरत है यार, बहुत प्रॉब्लम है, आजकल 1 करोड़ रुपए भेज देना. तेरे शर्म नहीं आती जो आता है उससे पैसे मांगती है? तो क्या पैसे फ्री में थोड़ी मांग रही है, वो मेरा किस भी ले सकती है. मतलब वो, मैं आपका मसाज भी कर सकती है. हमारे मेरा पार्लर है इधर मैम, सपना ब्यूटी पार्लर, बहुत मसाज करती है मैं. कौन सा मसाज? अलग अलग टाइप का मसाज है मेरा, 1, 2 का 4 मसाज. उसमें हम 1 को मसाज करते हैं, वो आगे 4 को मसाज करते हैं. फिर हमारा वो इधर बहुत फेमस है अनिल सर, मिस्टर इंडिया मसाज होता है इधर. मिस्टर इंडिया मसाज में क्या होता है? उसमें मैं सबको ऐसे लिटा देती है, फिर उनका सामान लेके भाग देती है. सपना, मुझे अनिल जी का मैसेज आया अभी. क्या मैसेज है? बोलते इसको हटाओ नहीं, इसको इसका दिन दिना दिन दा कर दूं. अच्छा मैं जाती है फिर, ठीक है मैं. बहुत अच्छा लगा. बहुत अच्छा लगा. जय मेहता जी. जय मेहता जी. अनिल सर मैं आपकी इतनी बड़ी फैन है ना, मैं एक बार खुद गले लगा रहे मेरे. जबरदस्त किया. राजकुमार पाजी, आपने भी ये चीज नोटिस की होगी, जूही मैम, सोनम, बहुत सारे आपने जब कोल्ड ड्रिंक्स की कोई दुकान देखी होगी ना, तो वहां पे उन स्टार्स की फोटो लगी रहती है जिन्होंने उस ब्रांड को इंडोर्स किया है. लेकिन अनिल सर के मैंने देखा एक चीज, सर सैलून के बाहर आपके बाल और ऐसे, आपने पहले फिल्मों में तेजाब में किया था ना ऐसे चिड़ी निकाल के बाबला, वो अपनी फोटो शिकंजी की दुकान पे, जूस की दुकान पे, मैंने तो लाइफ में कभी देखा नहीं. आपने कभी शिकंजी की जूस की ऐड करी कभी? मैं करना चाहता हूँ. पर आपको रॉयल्टी देते हैं वो आपकी फोटो का इस्तेमाल बिना पूछे करते हैं? नहीं, किसी ने मुझे रॉयल्टी नहीं दी यार. कितने शरीफ हैं अनिल सर, हर जगह आपकी फोटो लगती है और कई सालों से देखते आ रहे हैं हम लोग, बड़ी कमाल की फोटो लगती है आपकी. हमारी जैसे गुड़गांव में पहले रिक्शा चलती थी ना, तो रिक्शा पे ऐसे 3 ऐसे फोटो होती थी नीचे सीट के नीचे. अच्छा. जैसे अनिल कपूर, गोविंदा, कोई एक, तो हमें बहुत लड़ाई होती थी कि मैं अनिल कपूर बनूंगा, मैं अनिल कपूर बनूंगा. तो हम लोग बैठते थे कि अनिल कपूर मैं हूँ, उसके फोटो के ऊपर जो बैठता था वो अनिल कपूर होता था. कितनी स्टोरी है. अनिल सर, कभी आपको ऐसे मौका मिला कभी ऐसे देखने का? हाँ जी, मतलब आपको कभी मौका मिला ऐसे? बड़ी सारी फोटो ऑटो रिक्शा के अंदर, वो लाल हरे रंग के बल्ब और आपकी फोटो ये वाली ऐसी लगी रहती थी. आप ऑब्वियसली कभी बैठे नहीं होंगे आप ऑटो रिक्शा में कभी, पर हमने तो बहुत देखा. ऑफ कोर्स बैठा हूं मैं. नहीं, पर तब स्ट्रगल के दिनों में बैठे ना, जब आप स्टार बन के, फोटो तो बाद में लगनी चाहिए ना. स्टार बनने के बाद भी बैठा हूं. अच्छा, आपने अपनी फोटो देखी ऐसे रिक्शा में, कैसे फील हुआ आपको? हां देखिए, मैंने किसी, काफी लोग मुझे व्हाट्सएप करते हैं. अच्छा. और जब वो उस पे लिखा होता है जकास. जकास, अरे अनिल सर इतना मजेदार बोलते ना, रोबीली बात ना, जकास. सुनो, बड़े बच्चे अपने माँ बाप की कॉपी करते हैं, आप बोलो ना पापा का डायलॉग जकास. ओ गॉड, पापा के सामने? हाँ, तो फिर क्या हुआ? ओके डैड सॉरी, मैं कर लेती हूँ, ठीक है. जकास. उन्होंने बड़ा क्यूट बोला. जूही मैम, आपके मुंह से भी सुनना चाहता हूँ कि इतने प्यारे फेस के साथ. झकास, ठीक है, तोड़ दिया मैंने, स्क्रीन फाड़ दी. नहीं. अच्छा, कौन कौन ऐसे अनिल सर का डायलॉग यही बोलना है झकास, लेकिन ये कि बहुत छोटा है, तो मतलब आपने बोलना है कि अनिल सर क्या लग रहे हैं आप, झकास. जिसने अच्छा बोला उसको राजकुमार राव के साथ डांस करने का मौका. पाजी, आपने बोलना है कि अनिल पाजी क्या लग रहे हो, और जूही मैम की तरफ देख के बोलना झकास, जो कि मुझे पता आप करने वाले हो. आपके पेट की बात मुझे पता है, दिल की बोलूंगा नहीं मैं. अनिल सर आप क्या लग रहे हो, झकास. क्या बात है, पेट आप इधर रख दीजिए, आप एक बार दोबारा बोलिए. पाजी लव यू, कहाँ से आए आप? दिल्ली से. बड़ा अच्छा लगा आप शो में आए, धन्यवाद सर. और आपके बगल में जो लड़की बैठी है ना, उसको मेरी हाय बोलना जी. और कोई झकास बोलना, कौन कहाँ है? वाह सर, देखो लेडीज भी आपका डायलॉग बोलना चाहती है. अनिल जी, मेरा नाम माधुरी है, मैं मलाडी में रहती हूँ. और मैं मलाड ईस्ट में रहती हूँ, और मैंने आपकी बहुत पिक्चरें देखी है, हर पिक्चर हर करदार झकास. और आने वाली मूवी भी बहुत
झकास होगी। डांस हो जाए फिर आज। चल आ जा, इसको भी लेना पड़ेगा। मैं ये कौन है, मीनाक्षी शेजादरी? अच्छा, ये जो एक जैसी टी शर्ट पहनी है, आप लोग कहाँ से आए हो? We are from हिमाचल प्रदेश। अरे मेरी फेवरेट प्लेस है हिमाचल में। कहाँ से आप? हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट। ये हमारा जो ये एक हमारा टूर है जो हमारे हिमाचल प्रदेश के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है श्री अनुराग ठाकुर, उन्होंने मतलब जो बच्चे हिमाचल प्रदेश में मेरिटोरियस स्टूडेंट्स हैं उनको भारत भ्रमण कराया जाएगा, तो उसकी वजह से हम यहाँ पे आए हैं। जो बच्चे बहुत अच्छे हैं पढ़ाई लिखाई में, तो उनको वो भारत दर्शन करवा रहे हैं, जिन्होंने 10th एंड 12th में मतलब हाईएस्ट रैंक किया है। वेरी नाइस, वी आर सो प्राउड ऑफ यू। थैंक यू सर। तो आप सब हाईएस्ट मार्क्स लेने वाली लड़कियां हैं। यस सर, हम टॉप 20 बच्चे हैं। क्या बात है, कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर। एंड कांग्रेचुलेशंस टू यू टू अनुराग भाई, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ऐसे ही अच्छे-अच्छे काम करते रहिए। अच्छा, आपने नाम ही नहीं बताया अपना। माय नेम इज यशस्वी शर्मा। होशियार बच्चों के नाम ऐसे होते हैं। हमारे जैसे के होते हैं रेनू, कपिल, बंटी। रेनू मेरी मम्मा का नाम है। आई मीन होशियार बच्चों की मम्मियों के नाम बड़े अच्छे होते हैं। जैसे मैं फंस गया हूँ, मेरे को माफ कर दो। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू सो मच सर। हाउ आर यू जिनल? जिनल आप क्या करती हैं, सबसे पहले सबको बताइए। बेसिकली आई एम रोट्रैक्टर जिनल फ्रॉम द रोट्रा क्लब ऑफ एसके सोमया कॉलेज, एंड अलोंग विद मी आई हैव लियो हिमिशा, शी इज फ्रॉम द लियो क्लब ऑफ विद्या विहार। सो बेसिकली रोट्रैक्ट एंड लियो वी आर टू ऑर्गेनाइजेशंस, तो हम लोग सोशल कॉजेस के टूवर्ड्स काम करते हैं। And as all of us know के कपिल सर has a soft corner towards cancer patients. तो जब भी हम लोग ने उन बच्चों को बोला कि हम लोग द कपिल शर्मा शो पे जाने वाले हैं, तो उन्होंने एक बहुत ही क्यूट सी गिफ्ट बनाई है सर के लिए। एंड सर वी वुड लाइक टू गिव दिस टू यू। एंड ऑल्सो थैंक यू सर, वी वर सो ग्लैड दैट यू केम बैक विद योर द न्यू कपिल शर्मा शो विद एन अमेजिंग टीम। वी हैव अ पोर्ट्रेट फॉर द एंटायर टीम मेड फॉर यू। सो थैंक यू। That's, we have our artist also here, Mr. G.K. Lakshman sir. Namaskar, he made sir, the portrait. बिल्कुल एकदम ओरिजिनल है सर, क्या बात है, थैंक यू सो मच। तो ये बहुत ही प्यार से हमारे लिए बना के लाए, थैंक यू सो मच सर। क्या लिखा है इस पे? G.K. गिनी, ओ गिनी एंड कपिल, सो स्वीट। थैंक यू सो मच जिनल, और you are doing a great job and we are so proud of you. Thank you so much for coming. Thank you dear. Thank you so much. God bless you. Aiye. Ye. Thank you. So ab waqt hai film Ek Ladki ko dekha to aisa laga ki dynamic director ko yahan pe bulane ka. Please welcome Shelly Chopra Dhar. Aur aapki pehli film hai. Ji. Aur pehli film ke sath aap sixer maarne ja rahi hain. Are. Jaise humne pehle episode mein mara. अपनी तरफ साथ में हो जाती है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि विधु विनोद चोपड़ा हमारी इंडस्ट्री के बहुत बड़े नामी गिरामी प्रोड्यूसर हैं, और उनकी एक छोटी सिस्टर भी हैं जी। तो शैली जी ने फर्स्ट टाइम ये फिल्म बनाई है। मैम आपने अनिल सर के साथ, राजकुमार, जूही मैम, और वैसे तो आप इनको काफी सालों से जानती होंगी, लेकिन पहली बार आपने काम किया सबके साथ, कैसा लगा मैम आपको? कमाल की टीम है, इससे बेटर नहीं हो सकती। क्या बात है, मैं इनको कह चुकी हूँ कि इन लोगों ने मुझे स्पॉइल कर दिया है। प्रॉब्लम ये होती है कि जब ऐसे प्रोफेशनल लोग आपके साथ काम करते हैं पहली बार जी, तो आपको लगता है कि सब इंडस्ट्री ऐसी होगी। अब मुझे पता नहीं है आगे क्या होगा, लेकिन ये लोग तो कमाल के थे। शुरुआत अच्छी तो सब अच्छा है। मतलब इनसे ज़्यादा एनर्जी किसी के पास हो नहीं सकती। मतलब हम शूट कर रहे हैं, रात की शूट है, और 6 बजे तक हम लोग सारी टीम थक के चूर हो चुकी है, लेकिन इनको एक और शॉट चाहिए। 100 शॉट्स लेंगे लेकिन खत्म करेंगे। सर लाइट आने वाली है ना, अभी 10 मिनट चलो लगाओ। आई मीन आउटस्टैंडिंग, एब्सोल्युटली आउटस्टैंडिंग। ये इतनी एनर्जी, सच में टचवुड भगवान ऐसे ही आपको तंदुरुस्त इतनी एनर्जी रखे। मेरी शादी में मीडिया वालों करा हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। लोगों ने कहा सर कपिल की शादी, अच्छा कहाँ वो? मैम जूही मैम और अनिल सर की केमिस्ट्री बहुत ही अच्छी रही है फिल्मों में, और आपने ये केमिस्ट्री, वही वाली केमिस्ट्री दोबारा देखने को मिलेगी कि आप कुछ नए अंदाज में आपने कुछ क्रिएट किया है इसमें? देखो जी, एक लड़की उन्होंने पहले देखी थी, पर उसमें बहुत साल हो गए थे, तो हमने सोचा कि अब टाइम आ गया कि ये एक और लड़की को देखें। सो
कुछ फर्क तो है, बिल्कुल सेम तो नहीं होगा. आपको इसमें कुछ अलग दिखेगा, इनके रोमांस में कुछ अलग दिखेगा, उनके कैरेक्टर में कुछ अलग दिखेगा, इनके कैरेक्टर में कुछ अलग दिखेगा. हमारी पिक्चर में एक ही स्यापा नहीं है, बहुत सारे स्यापे. So, thank you so much, Anil sir. Thank you so much, Rajkumar. Thank you so much, Juhi ma'am. Thank you so much, Shelly ji. Thank you, Sonam. और आप सब लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, ऐसे ही हमें प्यार देते रहिए और देखते रहिए कपिल शर्मा शो. और एक सेकंड सर, आपको हमारे शो में आप कैसा लगा? एकदम झकास. So, देखते रहिए जो भी आपका मन करता है, हमें पता, देखेंगे आप यही शो. लव यू ऑल, गुड नाइट, शबक है. For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.